हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड सत्र 2020-21 किस प्रकार से करें। फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप शाला दर्पण पोर्टल में लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद आप जो मेन्यू बने हुए हैं उनमें से आप यहाँ स्कीम पर ओके करेंगे। जैसे ही आप स्कीम पर क्लिक करेंगे, लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट करेंगे फ्री टेक्स्ट बुक। जैसे आप ओके करेंगे, आपके सामने एक और लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसमें से आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप सेलेक्ट बुक प्रोफाइल आप यहां सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बुक प्रोफाइल सेलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर नोट दिया गया है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। नए सत्र की मांग के लिए पुस्तकों का चयन करें। यदि नए सत्र 2020-21 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। यदि किसी पुस्तक की डिमांड आपने कर दी है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। अभी आप यहां पर क्लास ग्रुप जो है, आप यहां पर 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप यहां पर जो ग्रुप रहेगा 1 से 8, 9 से 12 आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको 1 से 8 यहां बता देता हूं। आप गो टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप स्कूल में चलने वाले जो बुक्स हैं आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कुछ पहले से फिल आएंगी, देखिए आप इनको एडिट नहीं कर सकते हैं। आप नीचे आ जाएंगे, जैसे क्लास 6 आ रही है यहाँ पर आप 2020-21 के लिए बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लिस्ट में से इनको सिलेक्ट कर लेंगे। जो जो बुक्स आपके 2020-21 के लिए डिमांड में रहेंगी आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 3 तक पूर्ण पुस्तकें जो होती हैं निःशुल्क वितरण होती हैं, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, इसलिए आपको ये बुक्स जो हैं आपको यहाँ सेलेक्ट करनी रहेंगी सारी। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप सेव ऑल टैब पर यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव ऑल कर देंगे, बुक्स आपकी सेव हो जाएंगी। इसके बाद आप वापस ऊपर आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, और दोबारा आप जाएंगे स्कीम सेक्शन में फ्री टेक्स्ट बुक, और आप आ जाएंगे स्कूल स्टॉक एंट्री में। यहाँ आप क्लास ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और गो टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो टैब पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको पुस्तक का नाम दिया हुआ होगा, नोडल से पुस्तकों की संख्या कितनी आपको प्राप्त हुई है आप यहाँ देख लेंगे। आपने कितनी पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि यहाँ पर नए स्टूडेंटों को कितनी वितरित की हैं, पुरानी कितनी आपको मिली, आप सारी जो एंट्री हैं इनको चेक कर लेंगे। ये वैसे आपका स्टॉक एंट्री जो है यह कंप्लीट हो चुका होगा, जिनमें शेष है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। पूरी स्टॉक एंट्री जो आपकी ऑनलाइन है तो आप यहाँ से ऑनलाइन कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे बने हुए सेव ऑल टैब पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो स्टॉक एंट्री जो है कि आपके पास में कितनी बुक शेष हैं वो सारी जो डिटेल है यहाँ फिल हो जाएंगी। इसके पश्चात आप थर्ड ऑप्शन आपके पास में रहता है, थर्ड स्टेप आपके पास में रहता है, आप दोबारा स्कीम सेक्शन में जाएंगे, फ्री टेक्स्ट बुक पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप आ जाएंगे स्कूल डिमांड 2020। फर्स्ट आपने स्टेप पूर्ण किया, सेलेक्ट बुक प्रोफाइल, आपने बुक सेलेक्ट की कि कौन कौन सी बुक आपकी चल रही हैं, स्कूल स्टॉक एंट्री आपने यहाँ चेक की, स्कूल डिमांड आप यहाँ थर्ड ऑप्शन आप यहाँ क्लिक करेंगे स्कूल डिमांड। डिमांड करने से पहले आप शिक्षा विभाग का एक ऑर्डर जारी हो चुका है, आप उसको पढ़ लेंगे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को लेकर आप यहां देख सकते हैं 8 जनवरी का एक आदेश है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने बाबत आप इस आदेश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके बाद ही आप
डिमांड करें। शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2019-20 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 9 जनवरी 2020 तक आवश्यक रूप से की जाए। ये 9 जनवरी तक आपको करनी थी। 19-20 की जो वितरण की जो 100% जो रिपोर्ट थी आपको 9 जनवरी तक पूर्ण करनी थी। 2020-21 के लिए संबंधित विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में किया जा सकेगा। पोर्टल पर सत्र 19-20 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष लॉक किया जाना है। गलत मांग लॉक होने की स्थिति में गलत मांग जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व नोडल विद्यालय प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अंतिम शेष का सत्यापन कर ले। हाईलाइट करके यहाँ लिखा गया है, समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक करने के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2020-21 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 18 जनवरी 2020 तक इसको लॉक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए कुछ नियम रहेंगे 2020-21 के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिंदु संख्या 8 देखिए, शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार शैक्षिक सत्र 19-20 की पंजीकृत विद्यार्थी संख्या होगी। इसमें 10% अतिरिक्त जोड़कर मांग प्रविष्टि होगी। कक्षा 1-3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। कक्षा 4-5 तक सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी एवं शेष जो पुस्तकें रहेंगी वो आपकी निःशुल्क नई पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। कक्षा 6-8 के लिए NCERT पाठ्यक्रम लागू होगा, इसलिए इन कक्षाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की 100% मांग प्रविष्टि की जाएगी। इसी के साथ में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में भी NCERT पाठ्यक्रम लागू होगा, इसलिए इनकी भी 100% डिमांड की जाएगी। कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के लिए 50% पुरानी पुस्तकें एवं शेष नई पुस्तकें काम में ली जाएंगी। यहाँ पर इन नोट को भी ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 2020-21 लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। सत्र 2020-21 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6-10 तक विद्यार्थियों और तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7A में किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 1-8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9-12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं, उनकी प्रविष्टि प्रपत्र 9 में करें। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जिनको उपलब्ध करवाई जानी है, शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार शैक्षिक सत्र 2019-20 की पंजीकृत छात्र संख्या होगी। इसमें 10% अतिरिक्त जोड़कर मांग जनरेट की जाएगी। कक्षा 1-3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई पुस्तकें प्रदान करनी है। कक्षा 4-12 तक जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं आगामी सत्र में संचालित होंगी की मांग में से वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% आपको पुस्तकें वापस प्राप्त करनी होंगी एवं आगामी सत्र में इनका वितरण करना होगा। कक्षा 1-12 तक वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं तथा आगामी सत्र में संचालित होंगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट की जाएगी। आप यहाँ ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास ग्रुप सेलेक्ट बुक डिमांड फॉर स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ आपकी जो डिमांड है ऑटो जनरेट रहती है, तो यहाँ आपके सामने कुछ समस्याएं पैदा होती हैं कई बार। जैसे यदि किसी विद्यालय के अंदर आपके नामांकन किसी क्लास के अंदर 0 है तो आप इनको एडिट नहीं कर सकते हैं। आगामी जो
इश्यू है, जो जीरो का जो 10% निकालेंगे वो भी यहाँ पर जीरो रहेगा, इसलिए उस क्लास के लिए पर्टिकुलर उस क्लास के लिए बुक डिमांड यहाँ पर आपकी शून्य रहती है। ये इसमें कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी तक ऑप्शन यहाँ वर्तमान सत्र का नामांकन 2020-21 शो हो रहा है, जबकि यहाँ पर 2019-20 होना चाहिए, ये बाई मिस्टेक है। आप डिमांड को एक बार चेक कर लेंगे, यदि यहाँ किसी प्रकार का करेक्शन होगा तो आपको पीछे बताए गए जो दोनों टैब हैं उनका उपयोग यहाँ आपको करना होगा। आप लोक स्कूल बुक डिमांड को आप यहाँ क्लिक कर देंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा